मौज़ों पर मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, हम उस माहौल में आज रहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हैं, जहाँ पे मुश्किलात होती थी, रेगिस्तान होता था, ऊँटों की सवारी होती थी, गधों की सवारी होती, घोड़ों की सवारी होती थी। तो हम उस ज़माने में नहीं रहते, तो इस किस्म के आजकल एक्सक्यूज़ बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विंटर है तो आपके मोज़े जो हैं आपको समझे कि उतारने से आपको कुछ एलर्जिक हो जाएगी या साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस पॉइंट को नोट करें, ओनली इन द टाइम ऑफ अ क्रिटिकल सिचुएशन देन यू आर अलाउड टू डू द मसा ऑन योर सॉक्स। तो सॉक्स के ऊपर तब मसा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सॉक्स वाला कुछ ऐसा पहने, या तो वो फटी वाली वाली हो या ऐसी हो जहाँ पे पानी अंदर चले जाए, जैसे लेदर वाली हो या कुछ ऐसी हो, वहाँ पे करना बिल्कुल मसा जा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हदीस में देखेंगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो इमाम हैं उनके ऊपर भी हाथ फेरा हुआ है और उसमें वजू किया हुआ है, तो इसमें वजू करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हम उस दौर में रह रहे हैं यहाँ पर आजकल इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं है कि हम मतलब ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। तो आजकल हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फ्लैक्सीबल। तो हम हमारे मतलब मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छे तरीके से टूटियाँ लगी हुई हैं, अच्छे तरीके से बैठने की भी जगह है, बाथरूम भी अलग बने हुए हैं, हर चीज़। आप ये सोचेंगे ये जो चीज़ें हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं होती थी, लेकिन हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, मसल्ला नहीं है, ये नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है। सो वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ द सेंचुरी, जहाँ पर हर चीज़ की फ्लैक्सीबिलिटी है, पानी है, जगह है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसमें कुछ भी एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो यार मेरा अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नकारापन करते हैं, ये लेजीनेस करते हैं, सॉक्स ही नहीं उतारते, बोलते हैं चलो जी ऊपर से कर लो। सो दैट इज़, आप समझें कि अगर आपको आप अपनी जस्टिफिकेशंस कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें अल्लाह ताला की खातिर हार्ड वर्क करें, मोज़े को उतारें और अच्छे तरीके से कंप्लीट वजू करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप विंटर में हैं, जैसे जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो मुसलमान जानते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह का विंटर होता है वो इंतहा किस्म का ख़तरनाक होता है, यहाँ तक कि माइनस टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर आप किसी मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ वार्मिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, डेफिनेटली फिर भी आप मौज़े उतार सकते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप मौज़े उतार के कम्प्लीटली वजू करें, लेकिन अनलेस कि आपको कोई पैरों की बीमारी है या कोई ऐसी अछूत वाली बीमारी है या कोई डिजीज़ है या कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, देन इट इज़ अलाउड टू डू द मसा ऑन योर सॉक्स।